अब मेरे पास क्या चीज है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वही बात, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर वन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी इस बार, वन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास है। तो रेट को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा लीजिए, कॉन्स्टेंट आ गया आपके पास के, और ये क्या आ गया कंसंट्रेशन की आर, ये लीजिए, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, कंसंट्रेशन की टर्म एक तरफ कर दीजिए, तो ये आपके पास आ गया वन अपॉन आर डी आर इज इक्वल टू के इन टू डी टी, ओके, ये इक्वेशन आ गई आपके पास वन। आप क्या कर दीजिए सिमिलर तरीके से बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन, वी गेट, हमें क्या मिला, देखिए वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग एक्स, तो ये चीज मेरे पास क्या आ गई, नेचुरल लॉग एक्स मतलब यहां क्या है आर इज इक्वल टू के डी टी का टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट को मैंने क्या ले लिया सी, तो यहां पे सी क्या चीज है, सी इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखिए ये इसलिए क्योंकि लिमिट नहीं है तो मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, बुक में किसी भी फॉर्मेट में दे रखा था, पहले विद लिमिट बता दिया या विदाउट लिमिट। अब देखिए मान लीजिए जब टाइम आपके पास जीरो था, जीरो का मतलब जब रिएक्शन आपने स्टार्ट की थी, जब रिएक्शन आपने स्टार्ट की है तब की बात कर रहा हूं, तो तब आपके पास कंसंट्रेशन कितनी थी, तब आपके पास कंसंट्रेशन ओरिजिनल थी, जो कुछ था वो सारा का सारा आर नोट था, रिएक्शन में कभी प्रोडक्ट बने ही नहीं थे जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो सारे रिएक्टेंट ही थे। तो मैं क्या करूं इसमें, देखिए ये क्या चीज हुई, नेचुरल आर नोट, टी की जगह क्या पुट कर दू, जीरो प्लस सी, तो यहां मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, नेचुरल लॉग आर नोट, तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर थ्री। अब मैं क्या करूं, सी की वैल्यू यहां पुट कर दूं, देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री इक्वेशन टू बिकम्स, आप तीसरी इक्वेशन यूज कीजिए, सी की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो मेरे पास वैल्यू क्या बनी, नेचुरल लॉग आर, ये देखिए इज इक्वल टू के टी, सी की जगह माइनस नेचुरल लॉग आर नोट, क्लियर। आप लॉग की टर्म एक तरफ कर दीजिए, वो इधर आके प्लस, तो नेचुरल लॉग आर नोट माइनस नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू के टी, लॉग में जो चीज माइनस में होती है वो डिवाइड में चली जाएगी, तो ये क्या चीज आ गई, नेचुरल लॉग आर नोट डिवाइड बाय आर, ये किसके इक्वल आ गया, के इंटू टी, मुझे चाहिए था के की वैल्यू, जो किसके इक्वल आई, टी उधर जाके डिवाइड में वन बाई टी नेचुरल लॉग आर नोट बाय आर, ये देखिए तो आर नोट इज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन, आर इज द फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी, टी टाइम के बाद आपने चेक किया कि कितनी होगी कंसंट्रेशन, दैट इज द आर, तो आर नीचे वाला जो है फाइनल कंसंट्रेशन, टी टाइम के बाद कितनी होगी, आर नोट इज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो आपने स्टार्टिंग में ली थी रिएक्शन स्टार्ट होने पर, ओके। तो ये मेरे पास क्या रेट एक्सप्रेशन फॉर किसके, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, ये नेचुरल लॉग की टर्म में आप लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए, तो देखिए नेचुरल लॉग क्या होता है 2.303 लॉग 10, तो नेचुरल लॉग एक्चुअल में क्या चीज होती है, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू लॉग ई, जिसका बेस क्या होता है एक्सपोनेंशियल, और जो लॉग होता है जो आप नॉर्मल लॉग लिखते हैं उसका बेस क्या होता है लॉग 10, इसलिए मैंने यहां लॉग 10 लिखा नहीं क्योंकि लॉग लिख दिया, ये नेचुरल लॉग को मैंने लॉग ई लिखा है, क्लियर। अगर ये यहां पुट कर दूं तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई, देखिए तो 2.303 अपॉन टी हो गया लॉग आर नोट बाय आर, ये लीजिए, ये क्या चीज है, ये एक्सप्रेशन है किसकी, ये है फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन। अब मान लीजिए मुझे हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालना है इसी का, हाफ लाइफ
अगर ये कैलकुलेट करूं तो टाइम पीरियड ऑफ हाफ लाइफ टाइम पीरियड मतलब फर्स्ट ऑर्डर का ये किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर मैं टाइम को हाफ लाइफ टाइम पुट कर दूं तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ओरिजिनल का हाफ, फाइनल क्या हो जाएगा, ओरिजिनल का हाफ। तो यहां पुट कर दीजिए आप, देखिए टी साइड ले आइए तो ये आ गया टाउ 2.303, के इस साइड आ गया देखिए, डिवाइड बाय के लोग, पहले आर नोट था ही, नीचे क्या आ गया आर नोट बाय टू, ये टू ऊपर चला गया, आर नोट से आर नोट कैंसिल, लोग टू आ गया मेरे पास, तो 2.303 लोग टू डिवाइड बाय के, और लोग टू क्या होता है 0.3010, तो लोग टू की वैल्यू क्या है 0.3010 डिवाइड बाय के, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आ गई हाफ लाइफ टाइम पीरियड की 0.693 डिवाइड बाय के, ये देखिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का टाइम पीरियड, जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब क्लियर है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अपॉन जो आपने रिएक्टेंट की ओरिजिनल कंसंट्रेशन लिया उस पर डिपेंड नहीं करता, ये प्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रूव कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम पीरियड उस रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ओरिजिनल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर। अब मैं बात करता हूं इसकी यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, मैं क्या बात कर रहा हूं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्लियर। अब देखिए रेट किसके इक्वल हुआ, के इनटू कंसंट्रेशन की पावर वन, तो रेट की वैल्यू किसके है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, और ये क्या हुआ के का के जिसकी, और ये क्या हुआ कंसंट्रेशन, देखिए तो इधर भी कंसंट्रेशन इधर भी, तो के की यूनिट क्या आ गई वन अपॉन टाइम, तो वन अपॉन टाइम मतलब पर टाइम, और पर टाइम का मतलब क्या हुआ पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, मतलब ओवरऑल टाइम लेना आपने, तो इसकी एसआई यूनिट क्या है पर सेकंड, तो एसआई यूनिट क्या चीज हुई पर सेकंड है रेट कांस्टेंट की एसआई यूनिट, ओके। अब मैं बात करता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहले तो हमें कहा कि आप पहला ग्राफ ध्यान से देखिए कि रेट का ग्राफ आप प्लॉट कर दीजिए किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तो भैया जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी वैसे वैसे रेट भी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब रेट तो क्या होगा कंसंट्रेशन के साथ साथ कम होता चला जाएगा, ये तो बात क्लियर होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे ये नहीं कहा, मुझे क्या दे दिया हाफ लाइफ टाइम पीरियड का ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, ये देखिए इसके साथ ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, तो भैया ये इंडिपेंडेंट है, एक फिक्स हाफ लाइफ टाइम पीरियड रहेगा, तो ये भी बात खत्म। ये दो ग्राफ तो बड़े सिंपल थे, इनको मैं एक बार छोड़ देता हूँ, पूछने के चांसेस कम है, तो जिनके पूछने के चांसेस है वो ग्राफ ध्यान से देखिएगा। आप इसको देखिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए, के मैं एक बार साफ कर देता हूं, दोबारा से एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके आने के पूरे आसार है, देखिए आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, के इज इक्वल टू वन बाय टी नेचुरल लॉग आर नोट बाय आर, एक तो ये है ना, और एक आपके पास है के इज इक्वल टू 2.303, एक एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, एक है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r नोट बाय r, ये चीज आपके पास है, देखिए। अब मान लीजिए पहला किसी ने आपको ये कहा कि आप ग्राफ समझाइए बिटवीन
लोग आर नॉट बाय आर वर्सेस टी वर्सेस वन बाय वर्सेस टी सॉरी ये देखिए ठीक है। तो आपको सबसे पहले वन मिनट रमनदीप कौर बेटा आपने क्वेश्चन पूछा है कि आप एक बार जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल अभी इसके बाद दूंगा, उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट आपसे पूछा था, बिल्कुल यहां बताऊंगा जी बिल्कुल। अभी आप देखिए आपको मान लीजिए ग्राफ क्या पूछा, लोग आर नॉट बाय आर का वर्सेस टी के साथ ग्राफ पूछा। तो जो आपसे पूछा जाए एक्सप्रेशन उठा के जो आपसे पूछा जाए उसको वाई एक्सिस पे ले आइए और जिसके साथ पूछा जाए उसको एक्स एक्सिस पे ले आइए। कैसे मतलब देखिए इस सारी एक्सप्रेशन को उठाइए, मुझे ये चाहिए ये। तो देखिए इस एक्सप्रेशन से नेचुरल लोग आर नॉट बटे आर मेरे पास किसके इक्वल हुआ, देखिए टी इधर नहीं चाहिए उधर ले जाऊं तो दैट इज द के टी। ये मेरे पास क्या आ गया वाई एक्सिस पे और टी मेरे पास क्या है अब एक्स एक्सिस पे। एक्स के साथ जो चीज है वो क्या चीज है एम दैट इज स्लोप। अगर तो ये पॉजिटिव है और इसके साथ और कोई चीज नहीं है तो ग्राफ में ध्यान से देखिए, अगर इसके साथ और कोई चीज नहीं है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है याद रखिएगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है नेचुरल आर नॉट बाय आर का ग्राफ है ये टी के साथ। यस ये बात क्लियर। और जो के है वो क्या स्लोप, ये क्या चीज है स्लोप। स्लोप क्या होता है किसी भी दो पॉइंट आप यहां से ले लीजिए आप सीधा उसको बढ़ा दीजिए ऐसे जहां भी वो लाइन काटे वहां से परपेंडिकुलर देख लीजिए दोनों के ड्रा कर दीजिए तो उसमें से ये वैल्यू ये डिफरेंस मतलब ये और ये वैल्यू ये देखिए ये वैल्यू इनका डिफरेंस और ये इसका डिफरेंस डिवाइड कर दीजिए टेन थीटा में क्या होता है टेन थीटा दिस अपॉन दिस क्लियर। तो ये आप टेन थीटा कैलकुलेट कर लीजिए और टेन थीटा की वैल्यू से आपके पास क्या आ जाएगा के की वैल्यू आ जाएगी। तो स्लोप से आपको क्या मिलेगा रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू। स्लोप से आप क्या निकाल सकते हैं आप रेट कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है बेटा। तो आप ग्राफ देख लीजिए आपसे क्या पूछा गया था, इस तरीके से आपसे ग्राफ पूछ लेते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है आपको क्या पूछा जाएगा, आपको मान लीजिए यू कह दिया जाए कि आप ग्राफ प्लॉट कीजिए किसके बीच में, मान लीजिए कोई और वे दे दे और ये क्या चीज हो आपके पास, सपोज करिए आपको दे दिया लॉग आर मतलब ये ग्राफ बिटवीन नेचुरल लॉग आर वर्सेस टी। आप ध्यान से देखिए मुझे ये चाहिए, यहां से देखिए मुझे क्या चाहिए ये देखिए मुझे नेचुरल लॉग आर चाहिए तो एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास इससे उठाइए तो इसके इक्वल नेचुरल लॉग आर नॉट बाय आर इज इक्वल टू के टी। तो मुझे तो आर नीचे है, नीचे नहीं चाहिए ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए ऊपर चाहिए ध्यान से देखिए यस। तो मैं इसे ऊपर लेके जाऊं तो मेरे पास क्या आ गया नेचुरल लॉग आर अपॉन आर नॉट तो सामने वाली टर्म क्या होगी माइनस में दैट इज माइनस के टी। ये वाली टर्म देखिए लॉग में जो चीज चेंज कर दी तो ये वाला साइन क्या हो गया नेगेटिव। अब मुझे इसको क्या लिखना है, ये लिखना है नेचुरल लॉग आर डिवाइड में वो क्या हो जाएगी माइनस में देखिए दैट इज आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ये बात क्लियर। अब ये चीज मुझे यहां नहीं चाहिए तो उस साइड ले जाइए, मैंने कहा था जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा है उसको सिर्फ वाई एक्सिस पे रखना है तो नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग आर नॉट माइनस के टी। ये देखिए अब ये एक तरफ आ गया ना तो दैट इज वाई एक्सिस और टी जो है ये क्या है एक्स एक्सिस। तो एक्स के साथ जो चीज है वो ये देखिए ये देखिए ये स्लोप है दैट इज एम, एम क्या है माइनस में इस बार आपके पास और जो ये चीज बच गई दैट इज सी जो आपके पास पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ माइनस एम एक्स प्लस सी क्या है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया ना ये देखिए। तो इस बार आपके पास ग्राफ कैसा आएगा टी के साथ ग्राफ है किसका नेचुरल लॉग आर का, इस बार इंटरसेप्ट आपके पास है पॉजिटिव है तो आपको जीरो से ग्राफ नहीं करना पॉजिटिव मतलब ऊपर से ग्राफ लेना है देखिए। और स्लोप आपके पास क्या है स्लोप आपके पास नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आएगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट करना है नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ग्राफ आएगा क्लियर ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। तो इसका स्लोप जब आप निकालोगे देखिए स्लोप स्लोप क्या आएगा टेन थीटा आपको किसके इक्वल आएगा दैट इज माइनस के माइनस के। आप सोचो इंटरसेप्ट कैसे निकालूं आप एक्स्ट्रा प्लॉट कर दीजिए ग्राफ को क्योंकि जीरो टाइम पे तो आप ले नहीं सकते ना
तो ये वाली जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज इंटरसेप्ट, और ये किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग आर नॉट के बराबर है। तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन निकालनी हो आप, ये किसी इन बिटवीन रिएक्शन को आप कहीं बीच में से अगर आपने कोई अलग अलग कंसंट्रेशन नोट की और अलग अलग टाइम, तो आप ऐसे करके कैलकुलेट करके इसका रेट कॉन्स्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका ओरिजिनल कंसंट्रेशन आपने स्टार्टिंग में क्या ली थी वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात क्लियर। अब मान लीजिए कि आपको ग्राफ किसके बीच में दे दिया, आपको ग्राफ दिया ये नेचुरल लॉग की बजाय, मान लीजिए आपको दिया यही ग्राफ, देखिए ग्राफ बिटवीन नेचुरल लॉग की बजाय लॉग दे दिया, लॉग आर वर्सेस टी, मान लीजिए ये ग्राफ दे दिया। तो अब आपको लॉग वाली एक्सप्रेशन चाहिए ना, ये देखिए अब ये वाली एक्सप्रेशन चाहिए आपको, तो लॉग ये चाहिए, तो देखिए लॉग आर नोट बाय आर किसके इक्वल आएगा, देखिए केटी डिवाइड बाय 2.303, ये चीज चाहिए, तो ये टी मल्टीप्लाई में हो गया, ये चीज आके डिवाइड में होगी, तो ये टर्म बन गई मेरे पास। इसको क्या लिखा जा सकता है, लॉग आर नोट माइनस लॉग आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, मुझे तो ये चाहिए प्लस में, तो ये उधर ले जाऊं वो इधर ले आऊं, तो मेरे पास आ गया लॉग आर बराबर माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी माइनस लॉग सॉरी प्लस लॉग आर नोट। तो ये तो वाई एक्सिस पे आ गया, जो स्लोप है वो नेगेटिव में है माइनस है, ये टी क्या है एक्स एक्सिस और ये चीज प्लस सी, तो वही ग्राफ आ चुका है देखिए माइनस एम एक्स प्लस सी। देखिए तो ग्राफ इस बार क्या होगा, सेम वैसा ही एक्स्ट्रा प्लॉट कर दीजिए इंटरसेप्ट निकालने के लिए, लेकिन फर्क इतना सा इस बार इंटरसेप्ट कौन है, इंटरसेप्ट लॉग आर नोट है, पहले नेचुरल लॉग आर नोट था, इस बार कौन है लॉग आर नोट है। ओके, और जो स्लोप है स्लोप पहले माइनस के था, इस बार माइनस के डिवाइड बाय 2.303 है, तो ये ग्राफ किसके बीच में था आपका, लॉग आर वर्सेस टी के बीच। तो बेटा जो भी आपको चीज दी जाए उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दी जा सकती है। तो ओके, तो ये हमारे पास क्या चीज था, ये थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में आपकी क्या एक्सप्रेशन रहेगी, क्या हाफ लाइफ टाइम पीरियड, क्या उसकी यूनिट्स रहेगी, क्या उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी।